वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकी द जर्मन सबर्ट में आप स्वागत है गाइस। आज मैं आप सभी को बताना वाला हूँ कि आप अपने प्रिंटर से डॉक्यूमेंट कैसे स्कैन कर सकते हैं अपने 10वीं 12वीं आधार कार्ड या फिर कोई भी मार्कशीट को या फिर कोई भी पेपर वर्क हो लेटर हो आप उसको अपने प्रिंटर से कैसे स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करके उसका फोटो प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर PDF में जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास है गाइस अभी ब्रदरहुड का प्रिंटर है तो मैं इससे आपको करके बता रहा हूँ। आप कोई भी प्रिंटर से कर सकते हैं गाइस स्कैन, लगभग सब सेम होता है। तो मैं अपने आपको आप बता रहा हूँ कि ब्रदरहुड प्रिंटर से कैसे करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले आप पेपर को यहाँ रखिएगा प्रिंटर में, डालने के बाद यहाँ पे जहाँ से शट डाउन होता है वहाँ पे आइएगा। शट डाउन पे आने के बाद यहाँ पे डिवाइस एंड प्रिंटर लिखा है यहाँ जाइएगा। अब देखिए मेरे पास ब्रदरहुड का प्रिंटर है तो यहाँ पे मैं ब्रदरहुड का ही शो करेगा। तो ब्रदरहुड में जाने के बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है देखिएगा स्टार्ट स्कैन। यहाँ स्टार्ट स्कैन करने के लिए आप यहाँ पे माउस के आइकन को ला के लेफ्ट क्लिक कीजिएगा तो आपके पास ऐसा फेस शो होगा। अब यहाँ पे गाइस आप इसको कलर प्रिंट कर सकते हैं। देखिए पैर में दिया है ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, कलर्स ग्रे स्केल दिया है तो अपन इसको कलर में करेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट दिया है गाइस कि आप कैसे फॉर्मेट में करना चाहते हैं, तो यहाँ पे JPG फॉर्मेट दिया है और BTMA दिया है, PNG दिया है तो अपने को अभी JPG फॉर्मेट में करना है गाइस। यहाँ पे JPG क्लिक कर गया। अब ये दिया है 200 तो आप इसको कितना उसमें रखना चाहते हैं, कितना वैल्यू रखना चाहते हैं ये दिया गया है तो मैं इसको 200 में रखा हूँ तो 200 है। यहाँ पे 150 करूँगा तो ये कम होते जाएगा और जैसे 200-250 करते जाऊँगा तो इसका क्वालिटी जो है पिक्चर क्वालिटी बढ़ते जाएगा। वहीं पर गाइस ये देखिए ब्राइटनेस दिया है तो ब्राइटनेस की बात करते हैं तो ब्राइटनेस यहाँ पे दिया हुआ है वो है ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, इसको सेट करने के लिए दिया गया है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे आने के बाद अपन कहाँ पे जाएंगे, स्कैन लिखा है यहाँ पे, देखिए स्कैन पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे स्कैन पे तो यहाँ पे स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे स्कैन हो रहा है। अब स्कैन होने के बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन है, उसको किस नाम से आप फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आप किस नाम से फाइल को सेव करना चाहते हैं उस आधार पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे अगर आपके पास 10th का मार्कशीट है तो यहाँ पे 10th लिख दीजिएगा या फिर कुछ भी है जो आपको नाम देना है। उसके बाद इतना करने के बाद यहाँ पे आपको इम्पोर्ट का ऑप्शन देगा तो आप यहाँ पे इम्पोर्ट कीजिएगा। इम्पोर्ट होने के बाद आपका ये देखिएगा आपका डॉक्यूमेंट जो आप स्कैन कर रहे थे वो यहाँ पे आ जाएगा आपकी फ़ाइल पे। तो ये यहाँ पे फाइल में आने के बाद जो है आपका सेव हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है इम्पोर्ट करने पर। अब आप ये सोचेंगे कि ये आता कहाँ पे है, ये जो है कहाँ पे इम्पोर्ट होगा, ढूंढना पड़ेगा ऐसा करके, तो ये ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ से पूरा बैक हो जाइए, देखिए ये पूरा बैक हो गया। तो आप सबसे पहले अपने कंप्यूटर में जाइएगा उसके बाद यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी दिख रहा है। लाइब्रेरी में जाने के बाद डॉक्यूमेंट म्यूज़िक और पिक्चर्स, तो ये जो पिक्चर्स है ना, पिक्चर्स में आप ओपन जब करेंगे पिक्चर्स को तो या जो हमने स्कैन किया है ना वो यहाँ पिक्चर्स में आ गया है। अब ये देखिए 10th लिखे हैं हम लोग, ये जो फाइल बन के आ गया ये देखिए ये जो अपन कर रहे थे स्कैन वो हो गया। तो गाइस ऐसा हम लोग अपने प्रिंटर से, कोई भी प्रिंटर हो, मतलब ब्रदरहुड से कर रहा था तो ब्रदरहुड का दिया, आप कोई भी प्रिंटर से ऐसा स्कैन कर सकते हैं गाइस। गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए गाइस। थैंक यू गाइस।